दोस्तों आज की कहानी है समधन जी, आपकी बेटी को तो खाना बनाना भी नहीं आता। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। आज मैं अपनी सहेली के घर गई थी। तुम्हारे ही उम्र है कि है उसकी बेटी और इतना बेहतरीन नाश्ता और कॉफ़ी बनाकर पिलाया उसने कि मैं तो दंग रह गई। और एक तुम को मैं सही तक नहीं बनानी आती तुम्हें। मम्मी प्लीज़ आप किसी के घर मत जाया करो, जब जाते हो मेरे लिए शिकायतों का पुलिंदा लेकर लौटते हो। उसकी बेटी ये करती है, उसकी बेटी वो करती है, फलाने की बेटी को ये भी आता है, ठिमकाने की बेटी को वो भी आता, मुझे नहीं सुनना ये सब। हाँ हमारे समय में मेरी दादी कहती थी कि शोर भला धर्म की कहानी सुनेगा, अच्छी चीज़ें बताऊंगी तो वह तुम क्यों सुनोगी। और पापा ने भी कहा ना आपको कि आप ये सब काम बाप की बातें ना करो मुझसे। वो क्यों नहीं कहेंगे, शादी के बाद ससुराल में कोई ये थोड़ी ही कहता है कि बाप ने नहीं सिखाया। सब दोषों का ठीकरा तो माँ के सर पर ही फूटता है। तो आप क्या चाहती हैं, आपको कुछ सुनना ना पड़े इसलिए आपके तानों से प्रेरणा लेकर मैं घर के कामों में लग जाऊं और अपने कॉपी किताबों को अलमारी में बंद करके रख दूं। ऐसा मैंने कब कहा, मैं जिन के भी उदाहरण तुम्हें देती हूँ वह सारी लड़कियां पढ़ती भी हैं, अपने क्षेत्र में अच्छा भी कर रही हैं और घर के कामों में अपनी लड़कियों को दो दो घर देखने होते हैं। कोमल लाख पढ़ाई लिखाई करके कलेक्टर भी बन जाओगी पर शादी तो होगी ना, ससुराल तो जाओगी ना हूँ, पर मुझसे एक साथ दो नावों की सवारी नहीं होगी मम्मी। और बहुत हो चुके आपके ताने, अब आपको भी फैसला करना ही होगा कि आप मुझे कलेक्टर बनाना चाहती हैं या ससुराल भेजना चाहती हैं, या तो किशन संभालूं या पढ़ाई करूं पर एक ही काम करूंगी। कहकर कोमल अपनी किताबें उठाकर दूसरे कमरे में चली गई। सिर्फ तृप्ति और कोमल ही नहीं, ये घर की कहानी है। जैसे ही बेटी ने अपने कमरे से कहा मम्मी एक गिलास पानी देना या खाने का कुछ लेते आना, बस मम्मी शुरू हो जाती हैं और फिर एक घंटे बजने के बाद कहानी बिना किसी अंत या फैसले के बंद। और अगले दिन फिर वही कहानी, कोमल बैंक और प्रशासनिक अधिकारी की तैयारी कर रही थी और ये सच था कि उसे घर का एक काम भी नहीं आता था और न उसकी सीखने कि हिस्सा थी पढ़ाई लिखाई खेल कूद और दोस्तों से बातचीत के बीच में उसके पास समय कहाँ था कि वह घर के काम सीखे, और कभी जरूरत भी नहीं पड़ी थी। मम्मी बीमार होती तो पापा ऑफिस से छुट्टी लेकर घर संभाल लेते। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है ना, आवश्यकता हुई ना ही रुझान हुआ तो कोमल घर के और किशन के कामों को कभी सीख ही नहीं पाई। और मम्मी तो ठहरी, मम्मी बोलना कैसे छोड़ देती, और इसी पर दोनों माँ बेटी में झड़प तो रोज होनी तय थी। खैर कोमल की मेहनत रंग लाई और उसका सेहन सरकारी अधिकारी के तौर पर हो गया और से महीने के भीतर ही संयोग से एक ही बिरादरी के उसी सेवा में रत एक अच्छे लड़के के परिवार वालों का रिश्ता भी आ गया और बात पक्की भी हो गई। कोमल बेटा कुछ तो सीख ले, अभी मम्मी नई नई नौकरी है, अभी उस पर ध्यान देना और वह सीखना ज़्यादा जरूरी है। और आप फिक्र मत करो, मैं नौकरी रख लूँगी, मुझे दिक्कत नहीं होगी। कोमल का रवैया नहीं वही था, पर बेटा अभी शादी के बाद ससुराल जाएगी, पहली रसोई होगी, कुछ तो बनाना होगा ना,
लोग क्या कहेंगे बता, इसलिए तो मैं इन सब चक्करों में अभी नहीं पढ़ना चाहती थी। मम्मी पर आपको और पापा को ही तो शादी की जल्दी मसी थी, खैर वहाँ की चिंता आप मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। कोमल ने बात डाल दी, वो नौकरी वाली वह भी बेटे के बराबरी के पद पर, तो ससुराल वाले खुद ब खुद इज्जत देने लगते हैं। उसमें भी जब शादी के सौते पांचवें दिन ही दोनों अपने नौकरी वाले से लौटे। उसने मम्मी की बात तो टाल दी थी, पर अब ससुराल आने के बाद पहली रसोई का सोच कर सस में बहुत डर लग रहा था। सासू माँ ने कहा था कि कुछ मीठा बनेगा पहली रसोई में, पर मीठा तो उसने सिर्फ आज तक खाया है, बनेगी कैसे? अब नई नई शादी है, रात भर यूट्यूब भी नहीं देख सीख सकती। काश मम्मी आ जाती और बना कर चली जाती, सोच कर उसके आँख भर आया। जब असमंजस वाली स्थिति थी, परंत में उसने यही सोचा कि रसोई में जब वह जाएगी तभी यूट्यूब पर वीडियो लगा लेगी और साथ साथ बना लेगी, सासू माँ को कह देगी सारी चीजें किचन स्लेब पर निकाल कर रख दे। अगली सुबह नहा धोकर वह तैयार बैठी थी और अपनी परीक्षा के लिए खुद को तैयार कर रही थी, तभी सासू माँ आई और उसे किचन ले आई और सुबके से उसके कान में कहा, बहू मुझे पता है तुम्हें कुछ बनाना नहीं आता, तो विनीता ने सुबह सुबह ही ढेर सारा हलवा बना कर रख दिया है, तुम उसे आस पर चढ़ा कर उसमें साथ वाले बाउल में नाप कर रखा, एक्स्ट्रा घी और चीनी डालकर मिला देना, रसम भी हो जाएगी और तुम्हें ज़्यादा कुछ करना भी नहीं होगा, सासू माँ ने बनाए बताया। विनीता दीदी को ये सब आता, कोमल की बड़ी ननद विनीता भी नौकरी पैसा थी तो उसे आरस्य हो उठा। विनीता हर तरह का खाना बनाना जानती है, वह सासू माँ ने मुस्कुराते हुए कहा तो कोमल सोच में पड़ गई। खीर पहली रसोई की रस्म पूरी हुई और सबकी प्रशंसा पाकर वीर्य मुस्कान से भर उठी। कोमल को लगा काश मम्मी देख पाती कि पढ़ाई लिखाई और नौकरी भी कितनी ताकत है, जो लड़कियां सर्वगुण संपन्न होकर ही ससुराल जाती हैं उनकी कितनी कदर होती है उसे सब पता है। फोन पर उसने अपनी वीजे गाथा खूब विस्तार से सुनाई और बार बार कहा, अब तो आप नहीं कहोगी ना कि ससुराल जाओगी, तब पता चलेगा। द्रौपदी ने कोमल को खुश होने दिया, पर असलियत तो यही थी कि उसने शादी में ही नर्मदता और शर्मिंदगी से हाथ जोड़ते हुए संदन से कह दिया था कि उसकी बेटी को कुछ नहीं आता, वह तो ना सिखा पाई, अब सही समय ही सिखा दे, पर पहली रसोई में तो मेहमान होंगे, घर में तो समदन सब संभाल ले और समदन दे उसकी बात की मर्यादा को रखा था। नौकरी वाले शहर पहुँच कर कोमल ने हर काम के लिए भाई और नौकर लगा लिया था और बहुत खुश रहने लगी थी। द्रौपदी को भी लगता सलो जो उसकी बेटी साथी थी वह उससे मिल तो गया, पर एक दो महीने बाद कोमल से बात होती तो उसका सबर बुझा बुझा लगता। क्या हुआ बेटा, नौकरी का प्रेशर है क्या जो इतनी परेशान लग रही हो? नहीं मम्मी डस उड़, अब तो कोई परेशानी नहीं, नौकरी की कभी जाती हूँ कभी घर से ही काम हो जाता है, मजे है नौकरी में तो फिर क्या बात है। दामान जी, अरे नहीं मम्मी जी वह भी बहुत अच्छे हैं और समझदार भी, तो बताएगी भी कि क्या बात है मम्मी, मैं खाने के लिए तरस गई हूँ, कुक तो आता है ना तुम्हारा? उसकी हर सब्जी का स्वाद एक जैसा ही होता है मम्मी, पहले तो खूब ज़्यादा तेल मसाले देकर बना रहा था तो टेस्ट तो आता था, पर मेरा और मीने का पेट खराब
यूं लग गया। अब जब से कम तेल मसाले में बनाने का ऐसा अजीब सा बना कर रख देता है कि अंदर ही नहीं जाता। तो दूसरा कुक रख लेना मम्मी, ये इस एरिया का सबसे अच्छा ट्रेंड और अनुभवी कुक है जिसे हर तरह के खाने बनाने आता। तुम ही कुछ करो ना मम्मी, पेट भर लेती हूँ बस, लेकिन ना मन बढ़ता है ना खाने के बाद संतोष होता है। अब यहाँ से बैठकर मैं क्या करूँ बता, इसलिए तो कहती थी कुछ बेसिक से खाने भी कम से कम सीख ले ताकि इतना पश्चाताप ना होना पड़े। तो सब तुम छोड़ो और एक काम करो, 15-20 दिन के लिए आ जाओ और ट्रेनिंग दे दो किसको, कुक को। हाँ उसे भी और थोड़ा बहुत मुझे भी मम्मा, थोड़ा शर्माते हुए कोमल ने कहा, जिसको माँ और ससुराल के तानों ने